हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे नोटबुक कैसे बनाते हैं। जो जो भी कॉपी होता है उसका, जो भी नोट होता है उसका नोटबुक हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए, आज हम आप लोग को नोटबुक बना करके दिखाएंगे एमएस वर्ड में कैसे हम लोग नोटबुक बनाते हैं। जो सेम सेम कॉपी जो होता है, कॉपी जैसे सेम नोट कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड में। तो चलिए, आज हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड में नोटबुक कैसे बनाते हैं। तो चलिए, सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर का स्क्रीन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए चलते हैं सीधा कंप्यूटर का स्क्रीन पे। चलिए चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो हम आ गए अपना कंप्यूटर का स्क्रीन पे। देखिए, ये मेरा एमएस वर्ड खुला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मार्जिन हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे मार्जिन में जाएंगे। मार्जिन के बाद देखिए, सबसे नीचे में यहाँ पे कस्टम मार्जिन है। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, पेपर नहीं मार्जिन पे क्लिक करेंगे। और ये जितना भी है ना, ये टॉप में लेफ्ट में, ये सबको 0-0 करेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये 0 है, सबको 0-0 करेंगे, ठीक है। जितना भी मार्जिन है सबको 0-0 कर देंगे। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। देखिए, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, यहाँ पे इग्नोर फिक्स का, तो फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर ओके प्रेस कर देंगे। देखिए, यहाँ पे मार्जिन में 0-0 हो गया। जैसे कुछ भी यहाँ पे आप लिखेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे एकदम कॉर्नर से, साइड से लिखाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे तो साइड में एकदम साइड से स्टार्ट होगा। तो देखिए, ये मेरा मार्जिन 0-0 हो गया, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम अभी टेबल ड्रॉ करेंगे। जो नोटबुक का लाइनिंग होता है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद देखिए, इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद देखिए, सबसे पहले जितना भी ये बॉक्स है सब एक ही, देखिए हमको डबल लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको नोटबुक बनाना है, कॉपी बनाना है। तो देखिए, ये सेम यहाँ पे ये एक ही पे क्लिक करेंगे। देखिए, ये मेरा ऑलरेडी टेबल बन गया, ठीक है। और इस पे क्लिक करेंगे एक साथ। उसके बाद देखिए, ये जो मेरा एरो दिख रहा है ना, ये प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक साथ में पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। अब उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद देखिए, ऊपर में ये डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब के बगल में लेआउट है, लेआउट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए, हाइट जो है यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे हाइट चेंज करेंगे। ये जो टेबल का हाइट है, टेबल का हाइट चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए 0.37 इंच करेंगे, ठीक है, हाइट। उसके बाद विड्थ जो है, विड्थ को भी चेंज करेंगे, यहाँ पे विड्थ चेंज करेंगे, यहाँ पे विड्थ देंगे 8.65 इंच, ठीक है। तो देखिए, ये मेरा विड्थ भी चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो लाइनिंग है ये सबसे ऊपर हो गया। यहाँ पे मेरे को खाली चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमको कुछ नोट लिख, डेट और पेज लिखने के लिए यहाँ पे जगह चाहिए। देखिए, ये पूरा कैप्चर कर लिया। तो इसको देखिए, हम सीधा नीचे ड्रैग करेंगे, ले जाएंगे। तो नीचे ले जाने के लिए देखिए, यहाँ पे ये कर्सर जो है ना, ये जो तीर का निशान दिख रहा है आपको प्लस का, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, एक साथ में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ से पकड़ेंगे इसी से, और सीधा यहाँ से नीचे लेकर चलेंगे। आपको जितना जगह चाहिए ऊपर में आप रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सीधा लेकर लेकर आ जाएंगे नीचे। देखिए, ये सीधा हम लेकर आ गए नीचे, ठीक है, ये मेरा नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, नीचे पूरा ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक है। तो इसको हम लाइनिंग यहाँ पे फिल करेंगे नीचे में। तो उसके लिए देखिए, ये किसी भी कॉलम में, एक कॉलम में क्लिक कीजिए और उस यहाँ पे टैब बटन प्रेस कीजिए, तो ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ होते चला जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, ऑलरेडी ये ड्रॉ हो रहा है। तो देखिए, ये मेरा ऑलरेडी लाइन जितना भी है ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये देखिए, नीचे तक मेरा लाइन ऑलरेडी ड्रॉ हो गया, ठीक है, 50% मेरा काम हो गया। तो उसके पहले देखिए, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, रेड लाइन, ठीक है। तो उसको रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखिए, इंसर्ट टैब में जाएंगे और उसके बाद शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद देखिए, यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन जो लिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे और सीधा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिफ्ट के सहारा से शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, सीधा यहाँ पे लाइन सीधा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये ड्रॉ हो गया, देखिए इस पर सिलेक्ट करें, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो देखिए ऊपर में यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब ये लाइन पे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है,
देखिए ये लाइन पर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट टैब का ऑप्शन खुल गया, ठीक है। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए शेप है, तो शेप आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ पे ये रेड कर देंगे, या थोड़ा फिर से फॉर्मेट टैब में जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे, उसके बाद विड्थ जो है विड्थ इसका थोड़ा हम बढ़ा देंगे, ठीक है। विड्थ ये ले लेंगे, ठीक है, 1 PT ले लेंगे, ठीक है, विड्थ ये ले लेंगे, ठीक है, ये विड्थ मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग पे ही फिर से क्लिक करेंगे और कंट्रोल अपना कीबोर्ड से अपना कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखिए, उसके बाद सीधा ऊपर देखिए इस पर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखिए, सीधा ऊपर देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, अपना हिसाब से यहाँ पे सेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे डबल लाइन हो गया, ठीक है। अब आप इसको अपना माउस के सहारे से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये मेरा देखिए यहाँ पे हम सेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद एक और हमको लाइन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लाइन चाहिए, तो उसके लिए भी देखिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे, और ये जो लाइन है ना, लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए ये लाइन आ गया, ठीक है। इंसर्ट देखिए शेप में जाएंगे और ये लाइन पे क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे लाइन आ गया, और यहाँ से पकड़ेंगे सीधा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और सीधा अपना ये अपना कीबोर्ड जो है कीबोर्ड के में जो शिफ्ट बटन है उस पर प्रेस करके रखिए, उसके बाद सीधा नीचे ड्रैग कर दीजिए, देखिए ये सीधा आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया, फिर देखिए यहाँ पे मैं इस पर फिर क्लिक किया और शिफ्ट के साथ सीधा ले कर नीचे चला आया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सीधा आ गया है नीचे, पूरा ये मेरा लाइनिंग ऑलरेडी यहाँ पे, ये देखिए ये मेरा लाइन एक ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए शेप का जो फॉर्मेट टैब है इसमें जाएंगे, शेप का ऑप्शन जो है इसमें जाएंगे, यहाँ पे देखिए रेड कर देंगे, और फिर से जाएंगे और इसका विड्थ इसका बढ़ा देंगे, ठीक है, 1 PT कर देंगे, ठीक है, 1 PT करेंगे। अब फिर इसी पे देखिए, इसी पे ये जो लाइनिंग है ना, इसी पे क्लिक करके रखेंगे और अपना कीबोर्ड का कंट्रोल बटन के सहारे से सीधा इसके बगल में ड्रैग कर देंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर दिए, तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइनिंग है इसका थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिंग हो गया है, अपना हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, हम एरो की के सहारे से हम एडजस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए ये मेरा एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो ये मेरा मुकम्मल, ये देखिए ये मेरा जो नोटबुक है कंप्लीट हो गया। और थोड़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हम बक्स देंगे, बक्स लगाएंगे यहाँ पे, उसमें नोट लिखने के लिए, यहाँ पे डेट पेज लिखने के लिए। उसके लिए देखिए इंसर्ट टैब में जाएंगे और शेप में जाएंगे, शेप में जाने के बाद यहाँ पे कोई भी एक बक्स लेंगे, तो हम सबसे पहले ये वाला बक्स ले रहे हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसी पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब खुल जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेट टैब का ऑप्शन, इस पर जाएंगे और यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है जो सेफ फिल का, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आके नो फिल कर देंगे, क्योंकि ये देखिए इसका कलर हट गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसी पे क्लिक करेंगे और देखिए शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ पे नो आउटलाइन नहीं करेंगे, आउटलाइन को देखिए यहाँ पे रेड कर देंगे, ठीक है, रेड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका विड्थ थोड़ा हम जो आउटलाइन का विड्थ है, उसको थोड़ा सा हम ज़्यादा मोटा है इसलिए थोड़ा सा हम पतला 1 PT करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये मेरा बॉक्स क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यही बॉक्स पे क्लिक करेंगे और देखिए क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे अपना माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और देखिए सबसे नीचे देखिए यहाँ पे एड टेक्स्ट का ऑप्शन है, एड टेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका अंदर में ये बॉक्स के अंदर में राइटिंग का लिखने का ऑप्शन खुल गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख देंगे एंड देखिए इसमें लिख रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए देखिए यहाँ पे लिख देंगे डेट, ठीक है, डेट, उसके बाद डॉट डॉट दे देंगे, ठीक है,
उसके बाद इसमें डॉट डॉट देंगे। देखिए यहाँ पे हम डॉट डॉट दे दिए, उसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे और इस पर लिख देंगे पेज, ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट दे देंगे, ठीक है। देखिए हम डॉट डॉट दे दिए, देखिए थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, आपको हम दिखाएंगे। ये जो डेट है देखिए, ये मेरा डेट और ये मेरा पेज हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, ये मेरा जो बॉर्डर है ना, ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा इसको हम सेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा ऑलरेडी ये मेरा सेट हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा नोटबुक कंप्लीट हो गया। देखिए ये हमारा नोटबुक कंप्लीट हो गया है एमएस वर्ड में। तो ऐसे हम लोग नोटबुक बना सकते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कीजिए, देखिए ये देखिए इसका प्रिंट प्रीव्यू आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोग का नोटबुक रेडी होकर निकलेगा, प्रिंट कीजिएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं लाइव दिखा रहा हूँ आप लोग को प्रिंट प्रीव्यू। देखिए ये डेट पेज हो गया, ठीक है। ये जो लाइनिंग है, आप लोग को लाइनिंग क्रिएट करके मैं दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग नोटबुक अपने एमएस वर्ड में बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।